फार्म माफ करने का काम करेंगे। 300 बिजली और साथ में गैस 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हर माता बहन को दिलाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प और हमारा संकल्प है किसान को MSP की गारंटी, जिसके लिए किसान आंदोलन हुआ था, और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प और हमारा संकल्प 2 लाख पद जो इन्होंने समाप्त कर दिए, 2 लाख पद पे दोबारा से इन पदों को बहाल करते हुए हरियाणा में। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज वक्त है भाई, हमने सब ने सोच समझ करके, छोटी मोटी आपस की बातें हो सकती हैं, उन सब को दरकिनार करके एक मन और एक भावना के साथ एकजुट होकर के आज अपने भाई को आशीर्वाद और साथ देने की जरूरत है। ये हमारा धर्म की बात है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति 24 घंटे हमारे बीच में रह करके हमारे मान सम्मान के लिए, हम सबके सबके सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, इलाके के विकास और तरक्की के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए तत्पर रह करके हमेशा काम करते हैं, 5 साल के बाद एक बार मौका आता है, 5 साल ये नौजवान हमारे लिए करता है, 5 साल में एक बार हमने छोटा सा काम एक बटन दबा करके करना है, उसमें अगर कहीं संकोच होता है तो वो बहुत बड़े इलाके के लिए बहुत ज्यादा की बात होती है। तो मेरी आप सब से निवेदन है कि हम सब एकजुट होकर के छोटी मोटी बातें सब खत्म करके एक एक घर में जा करके हर व्यक्ति से मिल करके, ज्यादा खूब आचरण की जरूरत नहीं है, खूब आज उड़ो आगरा चढ़ा आदमी में कमी हो। आज आपका नुमाइंदा है, आपका भाई, आपका बेटा है, 543 MP चुन करके जाते हैं सारे देश के पार्लियामेंट में, उन 543 में आपका भाई आपका बेटा दीपेंद्र सिंह अलग से नजर आता है, और सारी पार्लियामेंट के अंदर एक नंबर का अगर कोई पार्लियामेंट का MP है तो आपका भाई आपका बेटा, जो हमारे लिए गर्व की बात है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। और उसके लिए हमारा वोट रिपोर्ट का एक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है संविधान में, उसका सही ढंग से प्रयोग करना, जात पे न पात पे मोर लगेगी हाथ पे, उस हिसाब से हम अपना काम करें और सब मिलजुल करके एकजुट होकर के आने वाली 25 तारीख को अपना वोट का अधिकार के माध्यम से अपने भाई को अपना आशीर्वाद आप देंगे। ये हमें सबके लिए जरूरी बात है, और जो प्रकाश सरपंच साहब ने कहा, इस भरोसे पे, इस उम्मीद पे, जो आपका जोश है, जो आपका साथ समर्थन है, जो आपकी अपनेपन की बात है, उसके हिसाब से देखो, 9 हल्के पड़े भाई रोहतक सीट पे, मैंने ये कहा है पर रोहतक के 9 हल्कों में मैं मलका सबसे ऊपर आएगा, सबसे ज्यादा ठीक होगी, चाहे मुकाबले में कलोरी है और चाहे कोई और है, सीधी सी बात है, एक नंबर पर हमने मेहनत करके लगन करके एक बढ़िया ढंग से अपना जो मत का दान है एक आशीर्वाद के रूप में अपने भाई अपने बेटे को 25 तारीख को देना है। ये मेरी आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है, और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा MP साहब से, वो आए और अपने विचार रखें और जो हमारी पार्टी की नीति है उनके बारे में थोड़े बताएं। MP साहब, भाई दीपेंद्र हुड्डा की जय, भाई दीपेंद्र हुड्डा की जय।